कि आप सबको पता है मेरे चैनल पे चल रही है वेडिंग सीरीज. So, मैं वेडिंग सीरीज सीरीज सो मैं का एक और मेकअप लुक लेके आ गई हूँ एंड ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट करा है मेहंदी के लिए और काफी ग्लैमरस मेकअप लुक है ये आप देख सकते हो एंड यहाँ पे मैंने ग्लीटर यूज करे हैं न्यू लिप्स रखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो मेक श्योर sure इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल फ्री है एंड उसके साइड में जो बेल आइकन होगा उसको भी ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि आपसे ऐसी वीडियो मिस ना हो एंड आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाए सो यहाँ पे ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं एंड अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का जेल मॉइस्चराइज़र सो इसे लेके अच्छे से अपने हैंड पे एंड रब करूँगी और उसको अच्छे से अपने फेस पे लगाऊँगी ठीक है आपको अपना फेस ज़ अच्छे से मॉइस्चराइज करना है ना मेकअप स्टार्ट करने से पहले अगर आप अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप नहीं करोगे तो आपका मेकअप भी अच्छा नहीं होगा सो so, इसलिए आपको अच्छे से अपनी स्किन को आ, प्रेप करना है तो so, यहाँ पे मैं अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लूंगी सो so, इसके बाद मैं अपनी आईब्रो फिल करूँगी और उसके लिए मैं आ, कोई भी आई शेडो पार्लर में से ये ब्राउन शेड लेके अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी और यहाँ पे मैंने कफसिल लाशेज़ का एंगल ब्रश लिया है सो इसकी मदद से मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मेरी आईब्रो फिल हो गई है ठीक है यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रो फिल कर ली है इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज को क्लीन करूँगी और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मास्क का ये कंसीलर एंड कॉन्ट्रो पैलेट काफ़ी अच्छा पैलेट है अफोर्डेबल है प्लस काफ़ी पिगमेंटेड है ये वाला पैलेट हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी आप सबको सो so, इसमें आपको आ, ब्रश भी मिल जाता है एक तो उसी ब्रश की मदद से मैं अपनी आईब्रोज को क्लीन करूंगी सो so, या yeah, यहाँ पे मैं कंसीलर लगा लूँगी अपने आईब्रोज को क्लीन करने के लिए एंड अपनी आईलेट पर भी लगाऊंगी सेम ही कंसीलर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो ताकि मेरे आईज को एक अच्छा सा बेस मिल जाए मेरे आई के लिए सो या यहाँ पे मैंने कंसीलर लगा लिया इसके बाद मैं लूँगी एक कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश और ये भी कफसन लाशेस का है तो इसकी मदद से मैं अच्छे से अपने कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी डैबिंग मोशन में और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा था आप देख सकते हो और काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन ये देता है सो या यहाँ पर मैं अपना कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसके बाद मैं ले रही हूँ वेटन वाइल्ड का कॉन्डो पैलेट और उसमें से ये बनाना शेड लेके अपने आईलेट को सेट करूँगी और यहाँ पे मैंने एक स्मॉल फ्लपी ब्रश लिया है उसकी मदद से मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी ठीक है कंसीलर को सेट करना काफी इंपॉर्टेंट है सेट नहीं करोगे तो क्रीज कर जाएगा एक तो समर चल रहे हैं आजकल ठीक है तो इसलिए अच्छे से आपको अपने कंसीलर को सेट करना है सो यहाँ पे मैं भी अच्छे से अपने कंसीलर को सेट कर लूंगी और सेम ही मोशन रखना है डैबिंग मोशन ठीक है तो यहाँ पे मैंने अपना कंसीलर जो है सेट कर लिया है इसके बाद मैं ले रही हूँ मास्क का फेंटिसी आई पैलेट आई थिंक यही नाम है इस पैलेट का सो so, या yeah, ये वाले पैलेट में से मैं सबसे पहले ये वाला शेड ले रही हूँ एंड इसे लेके मैं अपनी क्रीज पर लगाऊँगी आउटर वी पे लगाऊंगी प्लस अपनी पूरी आईलेट पे लगा लूँगी ठीक है तो सबसे पहले मैं अपनी क्रीज पे एंड आउटर वी पे लगाऊंगी और यहाँ पे मैंने एक बिग ब्लेंडिंग ब्रश लिया है सो so आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से देन मैं अपनी पूरी आईलेट पर लगा लूँगी इसको और यहाँ पर मैं इसको काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करूँगी क्योंकि ये मेरा ट्रांजिशन शेड है ठीक है हमेशा आपको लाइट शेड लेना चाहिए एंड लाइट शेड से ही स्टार्ट करना चाहिए डार्क शेड एकदम से अप्लाई नहीं करने चाहिए क्योंकि आ, अगर आप डार्क शेड एकदम अप्लाई करोगे तो वो बिगड़ भी सकता है आपका आई मेकअप इसलिए लाइट से स्टार्ट करो देन डार्क पे जाओ सो so, या yeah, यहाँ पे मैंने अच्छे से कलर को लगा लिया है और, और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो गया आप देख सकते हो इसके बाद मैं सेम ही पैलेट में से, से ब्राउन शेड लूंगी एंड एक फ्लैट ब्रश की मदद से अपनी अपर लैश लाइन के क्लोज क्लोज लगाऊंगी एंड आउटर वी पे थोड़ा मोटा रखूंगी और जब इनर की साइड आएंगे तो पतला हो करते जाएंगे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो इसे लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी स्मोकी लुक मिले ताकि मुझे और मैं अपने आई के कॉर्नर पे इसको पकड़ूंगी और स्ट्रेच करूंगी देन ब्लेंड करूंगी इससे काफी अच्छे से ब्लेंड होता है सेम ही ऐसा मैं दोनों आइज पे करूंगी कुछ इस तरीके से ठीक है जब तक ब्लेंड करूँगी जब तक ये अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए इसके हार्श लाइंस ठीक है सो या यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया इसके बाद हम ग्लीटर लगाएंगे तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ आई ग्लू अगर आपके पास ग्लीटर ग्लू नहीं है आप आई ग्लू ले सकते हो अपने हैंड के बैक साइड में लूँगी और फिंगर की मदद से अप्लाई करूँगी ग्लू को कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो दोनों ही आईलेट पे लगा लूँगी और इसके बाद मैं ले रही हूँ यूजार्स के ग्लीटर एंड ये मुझे पी में रिसीव हुए थे सो काफ़ी अच्छा पर्पल ग्लीटर है ये तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी उसकी मदद से अपने ग्लीटर को स्टिक करवाऊँगी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो जस्ट आपको हल्का हल्का पैट करना होता है और आपके ग्लीटर स्टिक हो जाएंगे काफ़ी ईजिली आप देख सकते हो यहाँ पर मैं कितने आराम से अपने ग्लीटर स्टिक कर रही हूँ सो ऐसे मैं अपनी दोनों आईज पे लगा लूंगी ठीक है ग्लिटर लगाने के बाद मैं सेम ही ब्राउन शेड लूंगी एंड दोबारा से उसको डार्क करूंगी क्योंकि फेड हो गया था ग्लिटर लगाते समय इसलिए मैं दोबारा से इसको लगाऊंगी एंड इस बारी थोड़ा अपना आउटर वी पे भी लगाऊंगी ताकि मेरी आउटर वी थोड़ी डिफाइन लगे ठीक है सेम ही फ्लैट ब्रश की मदद से इसके बाद मैं एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी ठीक है और उसकी मदद से जो मैंने आउटर वी पे अपना ब्राउन शेड लगाया उसको ब्लेंड करूंगी क्योंकि काफी हार्श लग रहा था इसलिए उसको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि हार्श लाइन जो है रिमूव हो जाए एंड अच्छे से एक डेप्थ मिले मेरी आउटर वी पे सो so, या yeah, मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जो है मैं अपनी लाशेज लगा लूँगी ऑफ कैमरा ठीक है और अब हम अपना फेस मेकअप करेंगे तो सबसे पहले मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी एंड यहाँ पर मैं कैल का प्राइमर यूज कर रही हूँ प्राइमर ऑयल तो इसे मैं लगा लूँगी अच्छे से अपने फेस पे चार पाँच ड्रॉप एंड देन अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने हैंड की मदद से काफ़ी सही प्राइमर है आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है सो या इसको मैं अप्लाई कर लूँगी देन मैं से भी मास्क के पैलेट में से डार्क कंसीलर लूँगी एंड अपनी अंडर आइज पे लगाऊंगी माउथ के राउंड लगाऊंगी थोड़ा सा ठीक है ताकि मेरी स्किन जो है इवन हो जाए और अगर आपको ज़्यादा पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपनी स्किन टोन से एक शेड डार्क कंसीलर ले सकते हो एंड उसकी मदद से अपने फेस को करेक्ट कर सकते हो सो so, या यहाँ पे मैं इसको लगा लूँगी सेमी कंसीलर ब्रश की मदद से देन ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड करूँगी ठीक है हल्क एंड हल्का हल्का डाप करूँगी ज़्यादा नहीं करूँगी और आप देख सकते हो इसने बिल्कुल एक सेम कैनवस दे दिया है मेरे को एंड बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं दिख रही है और मुझे ज़्यादा बेस की भी नीड नहीं है इसके बाद सो so, काफ़ी प्रिटी लग रहा है आप देख सकते हो काफ़ी सेम लग रहा होगा मेरा फेस अब आपको सो so, या yeah. तो ऐसे आप करेक्ट कर सकते हो अपने फेस को इसके बाद मैं फ़ाउंडेशन अप्लाई करूँगी एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेब्लिन का फाउंडेशन एंड इसमें मेरा शेड है 115। सो तो, इसमें आपको हमेशा लाइट शेड लेना चाहिए क्योंकि ये फाउंडेशन जो है ऑक्सीडाइज होता है तो अभी आपको ये वाइट लग रहा होगा ज़्यादा बट ये अभी ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड मेरी स्किन टोन से काफ़ी अच्छे से मैच हो जाएगा सो so, मैं डॉट डॉट करके इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी देन मैं सेम ही ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लूँगी कुछ इस तरीके से एंड ये आपको फुल कवरेज मीडियम टू फुल कवरेज दे देता है बहुत सही फाउंडेशन है ठीक है और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करो देन ही इसको देन इसको अप्लाई करना नहीं तो ये ड्राई कर सकता है आपके फेस को ठीक है सो या इसको मैं यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी सो या इसको मैं अच्छे से यहाँ पे आ, ब्लेंड कर लूँगी एंड आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है मेरा फेस इसके बाद मैं मास्क के पैलेट में से ही लाइट uh, शेड का कंसीलर लूँगी और अपनी अंडर आइज़ पर लगाऊँगी ब्रजाउदिनो उस फॉरड पे लगाऊंगी जहाँ जहाँ पे हम लोग हाईलाइट करते हैं अपने फेस को ठीक है यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी एंड सेमी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लूँगी और आप देख सकते हो इसने काफ़ी अच्छे से मेरी अंडर आइज़ को ब्राइट कर दिया है तो लाइट शेड का कंसीलर का ये वर्क होता है कि वो अच्छे से आपको ब्राइटन लुक प्रोवाइड करता है आपके हाईलाइट एरियाज पे ठीक है ताकि जब भी आप फोटोज वगैरह क्लिक करो तो वो अच्छे से उभर के आए सो so, या यहाँ पे मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड कर लिया है इसके बाद मैं अपने फेस को सेट करूँगी और उसके लिए मैं सेम ही वेटन वाइल्ड का कॉन्टो पैल ले रही हूँ ठीक है तो उसकी मदद से मैं अच्छे से अपने फेस को सेट कर लूँगी कुछ इस तरीके से और यहाँ पे मैंने एक स्मॉल पाउडर ब्रश लिया है तो यहाँ पर मैंने अपने फेस को जो है अच्छे से uh, सेट कर लिया है देन इसके बाद मैं अपने फेस को हल्का सा ब्राउन्स करूँगी और उसके लिए मैं सेम ही वेटन वाइल्ड का कॉन्टो पैलेट दे रही हूँ सो so, यहाँ पे मैंने एक एंगल स्मॉल ब्रश लिया है सो so, उसकी मदद से मैं अच्छे से अपने फेस को ब्राउन्स कर लूँगी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट ब्राउन्जिंग करूँगी ज़्यादा नहीं करूँगी काफ़ी सॉफ्ट करूँगी ठीक है यहाँ पे अच्छे से मैंने अपने फेस को ब्राउन्स कर लिया है इसके बाद मैं ले रही हूँ चार्मेसी मिलानो का ब्लश एंड या तो इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने एपल ऑफ चीक्स पे और ये काफ़ी प्रटी कोरल ब्लश है बहुत सही ब्लश है आप देख सकते हो कितना पर्टी लग रहा है सो so, इसी ले कर मैं हल्का हल्का लगाऊंगी काफ़ी ज़्यादा लग गया था बहुत ही पिगमेंटेड है ये वाला ब्लश तो अभी मैं अपने ब्रश से थोड़ा सा रिमूव कर रही हूँ ताकि ज़्यादा ना लगे तो इसके बाद मैं इसको राउंडिंग मोशन में ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से एंड आप देख सकते हो कितना पेटी लग रहा है ये वाला ब्लश सो so, ब्लश भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है इसके बाद मैं जो है सेम ही शेड uh, लूँगी जो मैंने अपनी क्रीज पे लगाया था एंड उसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊँगी ठीक है ताकि हमारा आई मेकअप सेम लगे एंड यहाँ पे मैंने एक स्मॉल प्लैंड ब्रश लिया है और ये पिगमेंट प्ले का ब्रश है सो so, उसकी मदद से मैं अच्छे से अप्लाई uh, कर लूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पे कलर एंड अच्छे से ब्लेंड करूँगी ठीक है सेम ही मैं अपनी दोनों आइज़ पे करूँगी इसके बाद मैं अपने फ़ेस को करूँगी सेट और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कैल का सेटिंग स्प्रे और अच्छे से अपने पूरे फेस पे फे स्प्रे करूंगी देन इसको ड्राई होने दूँगी ठीक है तो अपने फेस को यहाँ पे मैंने सेट कर लिया इसके बाद मैं जार्स का आ, हाई लाइटर लूँगी पाउडर हाई लाइटर एंड अप्लाई करूँगी सो यहाँ पर मैंने स्मॉल फैन ब्रश लिया एंड आप देख सकते हो कितना पिगमेंटेड है ये वाला हाई मतलब मैंने बस हल्का सा टच ही करा था तो एंड काफ़ी ज़्यादा लग गया था

काजल यूज कर सकते हो बहुत सही लगते हैं तो यहाँ पे मैं लगा लूंगी एंड आप डिफरेंस देख सकते हो इजीली तो यहाँ पे मैं अच्छे से वाइट काजल अप्लाई कर लूँगी मुझे वाइट काजल लगाना काफ़ी अच्छा लगता है तो यहाँ पे मैंने लगा लिया इसको इसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी एंड मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम का मस्कारा तो उसकी मदद से मैं अच्छे से अपनी अपर एंड लोअर लाइन को कोट uh, कर लूँगी ठीक है एंड देन लास्ट में लगाऊंगी लिपस्टिक और लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ की uh, मॉइस्चर मैट लिपस्टिक और इसमें मेरा शेड है जीरो फ़ोर काफ़ी अच्छा लिपस्टिक है ये एंड काफ़ी अच्छी न्यूड शेड है सो so इसे मैं लगा लूँगी और प्रॉपर मैट फिनिश देती है ये लिपस्टिक आपको बहुत सही लिपस्टिक है हाईली रिकमेंड करूँगी आप सबको आप इसे ट्राई कर सकते हो सो या इसे मैं लगा लूँगी एंड इन लिपस्टिक पर मैंने फुल रिव्यू वीडियो करी है प्लस सॉचेस दिए हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के साथ इस वीडियो के बाद अगर आप लोगों को देखने हो तो सो या गईस यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा ली है एंड ये है मेरा फाइनल लुक आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा एंड पसंद आया होगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कैसा लगा और आप इस तरीके का मेकअप लुक कैरी कर सकते हो अपनी मेहंदी में या आपकी कज़न की, की मेहंदी है या कोई भी फंक्शन है आप उसमें कैरी कर सकते हो ज़रूरी नहीं है आप मेहंदी में ही इस लुक को कैरी करो ठीक है एंड या गाइज मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सी यू टेक केयर बाय